फ्रेंड्स, स्कैन गैजेट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑल्टो की जो 800 है हमारी, जो मैंने परचेज़ की थी, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी और कई लोगों के मैसेज आए थे मेरे को कि आप बताएं कि सर्विस चार्ज कितने लगे हैं फर्स्ट सर्विस वगैरह में। तो उसके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ एक। तो जैसे मैंने अपनी फर्स्ट सर्विस करवाई थी कार की, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मेरा बिल है कि मुझे क्या क्या चार्जेस पड़े थे। तो जैसे देखते हैं कि ऊपर सर्विस टाइप फर्स्ट सर्विस हुई है मेरी, और नेक्स्ट सर्विस अभी ड्यू है और फ्री सर्विस थी, तो इसके अंदर लेबर चार्ज कुछ नहीं लगे हैं। तो जैसे देख सकते हैं क्या क्या चार्जेस लगे हैं। ये फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट है। तो देखिए यहाँ पर पहला तो एक फिल्टर डला है हमारा ऑयल वाला, और उसकी कॉस्ट देख सकते हैं यहाँ पर कितनी है, 69-70 रुपीज़ के करीब है। और ये सेकेंड में एक बम्पर होल्डर है, ये आपको नहीं लगेगा, ये तो मेरी थोड़ी गाड़ी आगे से मतलब बम्पर निकल गया था, तो ये होल्डर माइनर एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से ये बम्पर डला था मेरे होल्डर, तो ये आप माइनस कर दीजिएगा। और सेकंड, ये थर्ड डला था हमारा इसमें, मतलब सेकंड है कैबिन एयर फिल्टर। और मतलब कि आपका जो एसी का जो फिल्टर होता है जो आगे लगा होता है, वो भी इसके अंदर नहीं लगा आता प्री, ये भी फर्स्ट सर्विस के अंदर ही लगता है। तो इसके चार्जेस भी दे सकते हैं आप कितने, 270 रुपीज़ हैं। और आप देखें इसे थर्ड में क्या होता है, स्क्रीन वॉश होता है, ये आपका जो आगे विंडशील्ड को साफ़ करने के लिए जो इस तरीके का ये पाउच साथ मिलता है आपको, दो पाउच होते हैं, एक आपको साथ दे देते हैं और एक आप डाल देते हैं उसी टाइम में। तो एक ये साथ आपको इसके पैसे भी लगते हैं। और एक ये है कैस्ट्रोल का जो वो डालते हैं इंजन ऑयल जिसको कहते हो आप, तो ये भी आपका चेंज हो जाता है फर्स्ट सर्विस के अंदर ही, वो इसको डाल देते हैं, उसके भी पैसे लगे दे सकते हैं, ये चार्जेस लगे हुए हैं। ये टैक्सेबल अमाउंट है, इस पर सब कुछ GST लग के है। और जैसे देख सकते हैं इसके बाद जो जैसे देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्री सर्विस थी, और इसका आप सारा टोटल करके इनका जो नेट अमाउंट था वो था ये देखिए 1600 रुपये के करीब मेरा बिल बना था, जिसके ऊपर ये GST वगैरह इतना ठुक गया हमें। वैसे तो अमाउंट इतना बना था 1300 का, ये बाकी ये GST इतना लग के इतने का बन गया। इसमें से आप 100 रुपये कम कर दीजिए जो ये बम्पर का जो लगा था, बाकी ये सारा अमाउंट यही लगता है फर्स्ट सर्विस के अंदर। तो आप देख सकते हैं, चेक कर लीजिए सारा एक बार, आप देख सकते हैं ये देखिए ये सारा अमाउंट टोटल लगता है इसके अंदर फर्स्ट सर्विस के अंदर ऑल्टो 800 की। कई लोग पूछे थे ऑयल चेंज कब होता है, ये ऑयल तो फर्स्ट सर्विस के अंदर ही चेंज कर देते हैं, और जैसे जैसे अगर सर्विस होती रहेगी सेकंड सर्विस होएगी तो उसका भी आपको मैं वीडियो बना दूंगा कि किस तरह की क्या चेंज हुआ, क्या मतलब चार्जेस लगे उसके अंदर, कुछ डाला या नहीं डाला। वैसे ही थर्ड सर्विस का भी आपको वीडियो बना के दूंगा मैं, तो जिससे कि आपको आइडिया रहेगा कि कितने चार्जेस आपके लगते हैं। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको कि सर्विस कब करवानी चाहिए, जैसे आपको बुकलेट मिलती है तो इसमें आपको पता चल जाता है कि फ़र्स्ट सर्विस आपने कब करवानी है। तो फर्स्ट सर्विस आपकी पहले मंथ होती है, जैसे डेट ऑफ परचेज होगी, जैसे देखिए सर्विस हो चुकी है मेरी, तो या आपके 1000 किलोमीटर हो जाए या 1 मंथ के अंदर, तो जिनकी ज़्यादा चलती है वो तो 1000 किलोमीटर उनके हो जाते हैं। जैसे मेरी गाड़ी तो बहुत ही कम चलती है, तो मेरे तो मंथ के अकॉर्डिंग चलती है 1 मंथ के। और अब सेकेंड सर्विस जो मेरी होगी वो या तो 5000 किलोमीटर या 6 मंथ के अंदर होगी, तो मेरी तो मंथ अकॉर्डिंग चलती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी किस तरह की ज़्यादा चलती है गाड़ी, तो आप किलोमीटर देख के करवा सकते हैं सर्विस। और थर्ड सर्विस जो होती है वो होती है 10,000 किलोमीटर या तो 12 महीने, मतलब एक साल के अंदर तीनों सर्विस आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये था एक थोड़ा सा आपको मैं बता दिया सर्विस के बारे में कि किस तरीके की आपकी सर्विस का मतलब क्या पैटर्न रहता है, इनका कितना चार्जेस रखते हैं। ये मैंने जैसे आप देख सकते हैं ये सारी चार्जेस मुझे लगे मिले थे, देखिए तो GST कुछ ज़्यादा ही लग जाता है, 300 रुपये से ज़्यादा GST लग गया। तो ये आप थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि आपको किस तरीके की कितने चार्जेस लगते हैं सर्विस में हमारे। तो फ्रेंड्स, होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन लगी होगी, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि सर्विस में कितने चार्ज लगते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं आपसे ले रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।